यहाँ पर पहली बार प्रमोशन करने के लिए निकले हैं और हम लोग अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग करेंगे, उसका प्रोमो दिखाएंगे और फिर जो विनर है यहाँ पर उसको हम लोग ट्रॉफी देंगे। मैंने कभी रेस नहीं किया है और मुझे घोड़ों का बहुत शौकीन हूँ मैं घोड़ों की, लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार आ आई हूँ और मुझे बहुत ही डिफरेंट तरह का माहौल लगा है यहाँ पर आके, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पर आके और अच्छी बात है कि पहली शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं अपनी प्रमोशन। मैंने सीरियस फिल्मों में काम किया बिकॉज जीव भी बहुत सीरियस नहीं थी और साई बीवी गैंगस्टर वगैरह वो सीरियस एंटरटेनिंग फिल्में थी, वो सीरियस नहीं थी, लेकिन हाँ ये अलग फिल्म है बिकॉज गैंग ऑफ घोस्ट एक कंप्लीट कॉमेडी है और ऊपर से घोस्ट फिल्म है। मैं कभी जिंदगी में भूत नहीं बनी हूँ तो इससे मुझे भूत बनने का मौका मिला है और थोड़ा बहुत कॉमेडी करने का मौका मिला है। बहुत अलग तरह का कैरेक्टर है ये, मैं 1950s में जो एक्ट्रेस है उसका कैरेक्टर निभा रही हूँ जिसका नाम मनोरंजना कुमारी है और जो सिर्फ जिंदगी में मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही करना चाहती हूँ। मीरा की ये पहली फिल्म है और बहुत ही प्यारी इंसान भी और अच्छी एक्ट्रेस भी है। मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन भी था मीरा के साथ इस फिल्म में जो काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। शर्मन के साथ भी मैंने पहली बार काम किया है तो काफ़ी मज़ा आया। लकीली मैं अनुपम जी के साथ पहले काम कर चुकी हूँ, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, सौरभ जी के साथ काम कर चुकी हूँ, यशपाल जी के साथ मेरा पहली बार है, राजपाल यादव के साथ पहली बार काम किया है, चंकी के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, तो आई थिंक द एंटायर कास्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड जैकी श्रॉफ के साथ भी पहली बार काम किया है। एक्टर यू हैव टू टेक चैलेंजेस एंड आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, नहीं तो आप सेम तरह के लगने लग जाते हैं और क्रिटिक्स भी आपसे बोर होने लग जाते हैं। तो आई थिंक वो क्रिटिक्स बताएंगे कि मेरा काम उनको कैसा लगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छा काम करने की। आई रियली डोंट नो बिकॉज शायद मैं इस तरह की फिल्में करती भी नहीं हूँ, इतने बड़े बजट की फिल्में मैंने आज तक कभी की नहीं है और जो मेरे बजट की फिल्में हैं वो पैसा कमा लेती हैं, अच्छी जाती हैं, कमर्शियल सक्सेस भी होती है, क्रिटिकली एक्लेम भी होती हैं, तो इसलिए मैं नंबर के बारे में ज़्यादा फिक्र इसलिए नहीं करती। गैंग ऑफ घोस्ट जो है ये बहुत ही बड़ी कंटेम्प्रेरी और बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी है एंड इट इज़ ए रीमेक ऑफ ए वेरी फेमस बंगाली फिल्म भूते भविष्य which was released 2 years back and was a cult film there. So we have adapted that film according to the Hindi script and Hindi audiences and the film has come out very well. It has got an ensemble cast comprising of Sharman Joshi, Mahi Gill, Parambar Chatterjee, Anupam Kher, Nugar, Veera Chopra, Saurabh Shukla, Yashpal Sharma, Rajpal Yadav, Jackie Shah. So many people. I've got a very, very talented ensemble cast. So these, all of them play ghosts in the film. And it is a very interesting story of 11-12 ghosts actually living in a mansion. And they are telling their lives with ease and they are very happy and they are enjoying their afterlife. But actually their life is being threatened because the house they are living in, mansion they are living in is being destroyed by a builder. So it is their outcry. So it is a very, very funny film. Everyone will love this. But sir, as it because it is about there is a very good social issue of you know the city mein development ho rahi hai but at what cost where poor people or ghost jo hai na unki outcry hai ki yaar to hamare ghar tod doge to ghost jo hai wo kahan jayenge sir. So in a way it is about saying about you know human beings and today at this Derby race you know, we are here to promote the film and our ghosts, our cast is here, Mahi Gill, Meera Chopra, Saurabh Shukla, Shilpa Pandey, Jackie Shroff, our producers are here to promote the film at this event. कहानी है नहीं, इट्स स्टोरी ऑफ आफ्टर लाइफ और मेरा जो कैरेक्टर है वो 1935 में जिंदा था और तब मरा है, लेकिन भूत जब मरता है वो सालों साल वही कैरेक्टर और गेटअप में रहता है, तो मेरा थोड़ा आउटडेटेड एकदम अजीब केएल सहगल किस्म का कैरेक्टर है। माँ कैसे करता है, तब उस जमाने में जैसी पिक्चरें आती थी तो थोड़ा है फनी लेकिन बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है। निकलने का रास्ता ढूंढता है। ये पिक्चर है, सॉलिड पिक्चर है, कॉमेडी है, उसके बारे में देखना जरूर। थैंक यू। गैंग ऑफ घोस्ट।
house. Or just Chandni Kola, we are not fools. We are like normal people. We are living an afterlife, and it's a satire on afterlife. So, bhoot kya na, to bhoot galat hai sabse pehle, kyunki none of us are going ugly, none of us are doing any bhoot wali harkatein. So, it's a very young role. Aaj ki ladki hai, she's madly in love, and she's looking for love all the time. So, nice young role, and I'm very excited about it. I'm very excited to be working with everybody. It's my pehli movie, main itne saare actors ke saath kaam kar rahi hu, so bahut maza hai. मेरे रोल के बारे में जानना चाहेंगे, जैसा मीना जी ने भी आपको बताया कि शी इज प्लेइंग द यंगेस्ट भूत, एक्चुअली शी हैज बीन मिसलेड, द यंगेस्ट भूत इज मी इन द होल फिल्म, जो कि दिल से बड़ा यंग है, बड़ा ही दिल फेक किस्म का भूत है और प्यार करता है, बहुत बुरी तरह से प्यार करता है और प्यार के लिए कुछ नहीं कर सकता है, और बंगाली है, मछली भी खाता है और बहस में हार नहीं सकता, इस तरह का रोल है, तो आप लोग देखिएगा, बाकी तो ऐसे देखे देखना पड़ेगा। हम तीनों ने डिसाइड कर लिया है कि वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टच 100 करोड़, और हम तीनों से बहुत टेंशन में हैं, सब आप देख भी रहे होंगे कि 100 करोड़ का हमें टच करना ही करना है। मीरा, तुम कितने दे रही हो? अभी जो पैसे लगाए हैं वो जीतूंगी, उस पे डिपेंड करेगा। सो हम यहाँ पर आए हैं एजीपी और प्रमोद का जो यहाँ पर इवेंट हो रहा है, इसमें डर्बी 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 इवेंट हो रहा है, तो इसमें कितने पैसे मिले? 100 करोड़ का मुझे सर, 1000 करोड़ का चक्कर है यहाँ पर।